हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड, अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 9:30 बज गया है और मैं हो रही हूँ जल्दी जल्दी तैयार, घर का सारा काम काज की हूँ। अभी मैं जा रही हूँ बाहर। हाँ, तो घर का सारा काम काज सब कुछ हो गया है, उसके बाद फिर अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी दीदी के घर। बच्चों को भी लेकर आ जाएंगे और साथ के साथ थोड़ा सा टहल भी लेंगे, घूम भी लेंगे, क्योंकि कल पूरा दिन मेरा बहुत ख़राब गया था। हम लोग दोनों में लड़ाई हो गई थी जिसके वजह से। तो खैर, कोई नहीं, चलिए देखते हैं कि आज कैसे मैनेज करते हैं बाहर जाकर के भी अपने 32 बार को। हालांकि हस्बैंड जी तो बहुत गुस्सा करते हैं, जैसे कि आप लोग हमेशा बोलते हैं कि दीदी अब मत कीजिए, आपको वेट लॉस करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी तरीके से वो भी बोल रहे हैं कि मत करो, बहुत ज़्यादा पतली हो गई हो, बहुत ज़्यादा पतली हो गई हो। जितना वेट नहीं कम हो रहा ना डियर, उससे ज़्यादा मेरे इंचेस कम हो गए हैं, तो जिसकी वजह से मैं सुन ही रही हूँ। लेकिन फिर भी आप सभी का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, आप सभी के साथ जितना हो सकेगा मैं उतना कोऑपरेट करने की कोशिश करूँगी। चलिए आज चलते हैं, देखते हैं कि कैसे मैनेज होता है दीदी के घर में, क्योंकि भाई कहीं जाइएगा तो आपको खाना पीना तो सब कुछ करना ही पड़ता है। फिर भी देखते हैं, चलिए कोई बात नहीं है, जो भी रहेगा हेल्दी ही रहेगा, जो भी रहेगा आप सभी के साथ जरूर से ज़रूर शेयर करेंगे। तो अभी तो मैं कुछ नहीं खाई हूँ, सोच रही हूँ कि बिस्किट खा ले मैरी गोल्ड का, क्योंकि वैसे तो कुछ नहीं मैं खाती हूँ, लेकिन कुछ बनाई भी नहीं हूँ, ना ही चना वगैरह कुछ भी नहीं है, तो सोच रहे हैं कि वही खा लेते हैं। तो जो जैसा रहेगा उसके बाद फिर करेंगे। चलिए सबसे पहले तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बैठ कर बहुत गुस्सा कर रहे हैं। मैं सोची आप सभी से बातें कर लेते हैं और तैयार भी हो जाते हैं, तो चलिए फटाफट होते हैं रेडी, उसके बाद मिलते हैं। दिक्कत हो रहा ऐसे ऐसे ऐसे। नहीं है, मेरे दोनों बच्चे भी किसी के घर का नहीं खाते हैं, हस्बैंड जी भी खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी सभी को लगता है कि नहीं ये सब ही बनना चाहिए। तो मैं बना रही थी, साथ ही यहाँ पर ये लोग बैठे हुए थे, उसके बाद फिर बनाकर सारे लोगों को खाना मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कितना मना की, कितना मैं नहीं खाती हूँ नहीं खाती हूँ, उसके बावजूद भी इतना दी कि इतना तो बच्चा भी खाता है, आप खा लीजिए मामी, खा लीजिएगा खा लीजिएगा, बहुत बोलने के बाद भी नहीं मानी। तो फिर भी मैं बोली चलो ठीक है, देखते हैं खा सकेंगे तो खा लेंगे, वरना फिर छोड़ देंगे, फिर आप मत बोलिएगा। तो यहाँ पर बनी हुई थी, चिकन बना हुआ था, मछली बना हुआ था, साग था, आलू बैंगन का सब्जी था, फिर आलू गोभी का सब्जी था, यही सब था, सब कुछ बना हुआ था। तो फिर हम लोग बैठ करके खा रहे हैं और ये अपना घर था बोलकर मैं आराम से बैठकर च्यू करके खा रही थी। आधे घंटे लेकर सारे लोग मेरे से पहले उठ गए, उठ करके चले गए, सभी बातें साथे कर रहे थे, लेकिन मेरा खाना फिनिश नहीं हुआ था। तो वही हस्बैंड जी देख के हंस भी रहे थे कि जहाँ जाती हूँ वहीं स्टार्ट हो जाता है। खैर चलिए, अभी खाना पीना खाकर हम लोग चलेंगे घूमने के लिए डैम। वहाँ पर मैं बहुत कम वॉइस ओवर करूँगी, क्योंकि जो रियल है आप सभी के साथ मैं वही शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए खाना उना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं डायरेक्ट घर में आप लोग सभी से।
पढ़ाई कर रहे तो समझ में आ गया पढ़ता है इधर आम तोड़ने आते थे आम अब पानी बहुत कम वहां उसी में जब से आदमी मतलब ये हो गया ना उसी दिन से बंद हो गया चलो ना हमारा साइड उधर है चलो जो हमारे तो चाची का डैम तो चाची का डैम क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या समझ में नहीं आ रहा है इसको खोलता खाता है ये पानी जब भरता है ना बेटा हाँ। उसके बाद हाँ। सेव करके रखा है पानी को सेव करना जब पूरा भर जाता है ना तब खोलता है ना तब ये जाता है ये पूरा बह जाता है प्यूरिफाई होता है पानी यही पानी पिया जाता है हाँ तुम भैंस को ओवर करो मत करो भैंस को ओवर हमको नहीं मतलब है ये कौन दाढ़ी पकल है जी इधर इधर नहीं है हाफ पकल है अरे इसको बोलता है मतलब जानबूझ के बुढ़ापा दिखाने वाला हैं क्या होगा कैमरा में स्टिक नहीं गिर गई जो मामी मामा रो वीडियो कॉल कर ज्यादा पानी में नहीं जाओ ज्यादा आप ये फोन कर रहे हो तो पत्थरों से हां अरे अभी कैसे चलो हम लोग साथ में दौड़ गया हूं चलिए लीची बगान में घूम लीजिएगा नहीं है।
बाप रे, आए थे ये लोग को लेने के लिए, अरे यही लोग नहीं जा रहा। हम अपना रास्ता में गरम गरम दूध लाकर मेरे हस्बैंड जी दिए हैं, भाई सेवा कर रहे हैं, क्योंकि कल मेरे से बहुत लड़ाई की है ना, इसलिए आज सेवा में लगे हुए हैं। दूध दिए कि नहीं पी लो, काफी टाइम हो रहा है लेकिन फिर भी बोले कि नहीं पी लो, इतना प्यार से लाकर दिए हैं, तो मैं बोली चलो पी लेते हैं। खैर चलिए, आज का ब्लॉग भी है यहीं तक रहने देते हैं। आज बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद सबसे मिली और इतना इंजॉय की, बहुत अच्छा लगा। चलिए आज का तो ऐसा नहीं रहा कि मेरा 32 बार भी नहीं टूटा, सब कुछ अच्छे से हुआ। कहीं और जाती तो शायद टूट जाता, लेकिन फैमिली मेम्बर के घर में गई थी तो जिसकी वजह से नहीं टूट पाया, अच्छे से सब कुछ हुआ है। चलिए दूध वगैरह पीते हैं और आपसे मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई बातों के साथ, एक नई उम्मीदों के साथ। अभी तक के लिए यही तक, कल भी मिलते हैं, बाय।